हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाब यानी कि क्रिस्टलाब किसे कहते हैं। क्रिस्टलाब को परिभाषित करने के लिए यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ हो जिसका जलीय विलयन, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन किसी चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है, यानी कि आर पार हो जाता है, आसानी से आर पार हो जाएगा, आसानी से विसरित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाब कहते हैं। यानी कि अगर जैसे चीनी है, चीनी को पानी में अगर घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा, तो उस विलयन को अगर किसी चर्म पत्र झिल्ली से, अगर किसी चर्म पत्र झिल्ली पर अगर रख देंगे तो आसानी से आर पार हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाब कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्म पत्र, अब चर्म पत्र झिल्ली मतलब होता है कि चमड़े की झिल्ली, जैसे जो हमारा स्किन है या चमड़ा, चमड़े क्या चमड़ा भी क्या होता है, चर्म पत्र झिल्ली होता है, मतलब कि अंदर से जो पसीना बनता है वह बाहर निकल आता है, तो वह झिल्ली की तरह ही क्या करता है। तो उसी तरह से जैसे कपड़ा है, कपड़े पर अगर चीनी का विलयन अगर रख दिया जाए तो वह क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। लेकिन अगर गोंद का विलयन रख दिया जाए, गोंद रख दिया जाए, तो वह धीरे 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 विसरित होगा, यानी कि धीरे धीरे आर पार होता है। और चीनी का जो विलयन होगा या नमक का विलयन, वह तेजी से आर पार हो जाएगा। तो नमक, चीनी को या इन सभी पदार्थों को जो आसानी से आर पार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाब कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है, क्रिस्टलाब कहलाता है। जैसे चीनी है, नमक है, यूरिया, यूरिया का विलयन भी क्या होता है, क्रिस्टलाब कहलाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि कोलाइडी पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि कोलाइडल सब्सटेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस। तो कोलाइडी पदार्थ या जो यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो किसी चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं कोलाइडी पदार्थ। यानी कि ऐसा पदार्थ हो, उसको पानी में अगर घोल दिया जाए तो वह चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाते, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाब कहते हैं, नहीं कोलाइडी पदार्थ कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे अगर गोंद है, गोंद को अगर चर्म पत्र झिल्ली पर रख दिया जाए तो वह चीनी के विलयन की अपेक्षा बहुत धीरे धीरे आर पार होता है, यानी कि विसरित बहुत कम होता है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं कोलाइडी पदार्थ। एल्बुमिन होता है, या एल्बुमिन या जो रक्त होता है उसका एक प्रोटीन होता है, उसी को एल्बुमिन कहते हैं। तो एल्बुमिन भी चर्म पत्र झिल्ली पर धीरे धीरे विसरित होता है।
तो ऐसे पदार्थ को, यानी कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाब, तो अरे कोलाइडी पदार्थ। तो यानी कि जिनके कण अगर छोटे छोटे होंगे तो वह चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाएंगे, और कोलाइडी पदार्थ जिनके अणु बड़े बड़े होते हैं, यानी कि कोलाइडी पदार्थ के अणु बड़े बड़े होते हैं, इसकी वजह से वह चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसी चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं हो पाता है, कोलाइडी पदार्थ कहलाता है। जैसे एल्बुमिन है, स्टार्च है, गोंद है आदि, यह सब कोलाइडी पदार्थ होते हैं। इसके बाद है वास्तविक विलयन, ट्रू सोल्यूशन। वास्तविक विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय के कणों का परास 10⁻⁷ से सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, यानी कि जिनके विलेय के कणों का परास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, तो उसे कहते हैं वास्तविक विलयन कहते हैं। और जिनके कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी कि अगर चीनी और पानी का विलयन अगर ले लिया जाए तो वह क्या होगा, वास्तविक विलयन होगा, क्योंकि जो चीनी और पानी में घुलने के बाद केवल पानी के कण ही दिखाई देते हैं, तो चीनी के कण नहीं है, एकदम नहीं दिखाई देते हैं। तो उसको अगर प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखेंगे तब भी नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन। तो इसमें ऐसे विलयन, ऐसा विलयन नमक और पानी का भी हो सकता है, यूरिया और पानी का भी हो सकता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन कहेंगे, यानी कि जो जिनके अवयवी कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, तो उसे कहते हैं वास्तविक विलयन। तो यहाँ पर है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। और इनके अवयवी कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है या देखा नहीं जा सकता है, तो उसे कहते हैं वास्तविक विलयन। जैसे है चीनी और पानी का विलयन, नमक और पानी का विलयन, यूरिया और पानी का विलयन, यह सब क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है। तो इनके कणों को आँखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता, और इसमें यह भी समझ लीजिए कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, यह मतलब कि जो जितना अगर माइनस में पावर होता है, जितना अधिक होता है वह उतना ही छोटा होता है, और जिसका पावर जितना ही छोटा होगा माइनस में, वह उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है, उतनी ही बड़ी संख्या होती है, और जिसकी संख्या बड़ी होती है माइनस में, वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो इसलिए वास्तविक विलयन क्या होता है, उनके कणों का आकार बहुत ही कम होता है,
यानी कि न के बराबर हो जाता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। थैंक यू। बाकी अगला हेडिंग अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं वह। थैंक यू।